आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। गिरिडीह लोकसभा के 16वीं लोकसभा सांसद रविंद्र कुमार पांडे के पिता स्वर्गीय कृष्ण मुरारी पांडे जी की जयंती समारोह उनके आवास फुसरो बाजार में मनाई गई। श्री पांडे ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर एवं माला पहनाकर उन्हें याद किया। मौके पर कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे जिन्होंने कृष्ण मुरारी पांडे जी की जीवनी के बारे में बताया। उनका राजनीति फुसरो से मार्केट एसोसिएशन के साथ हुआ शुरुआत एवं कृतित्व बिहार राज्य तक किया और उनके आशीर्वाद से उनके पुत्र श्री रविंद्र कुमार पांडे गिरिडीह लोकसभा के 5 बार के सांसद बने। बोकारो बेरमू से प्रेषक ओम प्रकाश राजा की रिपोर्ट। देखिए आज पूरा विश्व जो है वो दीपावली का त्यौहार मना रहा है और आज कल से ही अयोध्या में दीप जलाया जा रहा है जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार इस दिन का अयोध्या में वातावरण बना है। आज के दिन मैं अपनी ओर से पूरे झारखंड की जनता को इस दीपावली के त्यौहार पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपके घर में बराबर खुशी का माहौल रहे और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ बराबर रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भाईचारा का वातावरण रहे। आज स्वर्गीय कृष्ण मुरारी पांडे जी का भी जन्मदिन है। वो मजदूर नेता थे, समाज में उन्होंने अनेकों प्रकार के समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूर हित की बात हो, उन्होंने सब काम को एक योद्धा के रूप में उन्होंने किया। उनकी मंशा थी एक हॉस्पिटल का निर्माण हो, चास में बहुत ही सुंदर अस्पताल का निर्माण हुआ और आज 200 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर चल रहा है। कोरोना कालखंड में भी सब लोगों को उसका राहत मिला और कम खर्च, कम व्यवस्था। स्कूल का निर्माण हुआ, पंडित बागेश्वरी पांडे दुग्धा में राष्ट्रीय विद्यालय बना उनके जीवन काल में। उनके गुजर जाने के बाद मुड़ूल शुद्धि में कृष्ण मुरारी पांडे हरिजन आदिवासी विद्यालय का निर्माण हुआ जो आज झारखंड सरकार के द्वारा उनको एड भी मिलता है। पुराण डैम में भी विद्यालय चल रहा है और एक कोयलांचल का क्षेत्र है, कोयलांचल में